Hey guys, welcome or welcome back to my channel Witty Club. If you are new to my channel, I am Megha and I try and create home decor on a budget. In today's video, I am going to do a traditional art on a broken plate. So without any further ado, let's get started. मैं यहाँ पर ये फाइबर की प्लेट ले रही हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्रैक है, सो मैं इसी प्लेट को यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर जेसो का एक कोट अप्लाई करूँगी। जब वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इस पर एक्रिलिक कलर करूँगी। आफ्टर कलरिंग प्लेट का लुक कुछ ऐसा आया है, एंड आप जैसा देख सकते हैं कि जो क्रैक हो रखा था वो पूरी तरीके से कवर हो चुका है। अब मैं इस पर कुछ पैटर्न ड्रॉ करूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैं एक सेंटर पॉइंट निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मेरे माइंड में एज सच कोई डिज़ाइन अभी तक बिल्कुल नहीं है। इट इज़ जस्ट दिमाग में जो इंस्टेंट आता जाएगा मैं यहाँ पे ड्रॉ करते जाऊँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कंपास ले रही हूँ, एंड इसकी हेल्प से मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ सर्कल ड्रॉ करूँगी। ये सर्कल मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी डिज़ाइन और शेप को अगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो सब इक्वली दिखेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे सिर्फ सर्कल ड्रॉ करूँगी, उसके बाद देखती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या पैटर्न ड्रॉ करती हूँ। जैसो अप्लाई करने के बाद प्लेट बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, इसलिए जो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ सर्कल, वो बहुत इजीली ड्रॉ हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल फ्लैट है और स्मूथ है, तो आप ये जो जैसो वाला स्टेप है वो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट कोई भी एक्रिलिक कलर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इस टाइप से कुछ लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। मैंने जैसे पहले बताया है कि ये सब हेल्प करेगा मेरे हर एक डिज़ाइन को अच्छा शेप देने के लिए। मैंने जो ये पेंसिल से अभी डिज़ाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, इसको मैं सबसे लास्ट में जो है इसको मैं सेम रेड कलर से वापस से कवर कर लूँगी। इरेज नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं इरेज करूँगी तो ये जो मेरा कलर है वो ख़राब हो जाएगा। सो मैं इट्स बेटर कि उसको मैं कलर करके ही कवर कर लूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ पेटल्स वाला जो पैटर्न है वो ड्रॉ करूँगी। एज यू कैन सी, बिकॉज ऑफ दीज लाइन्स मेरे जो पैटल्स के शेप एंड साइज हैं वो बिल्कुल बराबरी से आ रहे हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगेन यहाँ पर मैं कुछ लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब यहाँ पर जो है लोटस का पैटर्न बनाने हैं, एंड उसके लिए ये जो लाइन है वो मुझे थोड़ा सा हेल्प करेंगी। सी मेरे लिए कितना इजी हो गया इन्हें ड्रॉ करना। कुछ पैटर्न्स बड़ी और छोटी हो गई है, बट मैं उसको जब मैं फाइनली कलर करूँगी तो मैं उसको ठीक कर लूँगी। ये तो सिर्फ एक आइडिया के लिए मैं बना रही हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे इतना ही डिज़ाइन माइंड में आया है और मैं यहीं पे अभी स्टॉप करूँगी। अगर आगे मुझे और कुछ समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मिरर स्टिक कर दूँगी, एंड उसके बाद जो यहाँ पर ये पैटर्न मैंने बनाया है इनको मैं हाईलाइट करूँगी। हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर ये 3D आउटलाइनर ले रही हूँ वाइट कलर का, एंड उससे मेरी जितने भी पैटर्न हैं उनको मैं हाईलाइट करूँगी। थ्री डी आउटलाइनर इस बार मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती थी कि जिन लोगों को ब्रश से डिटेलिंग करना नहीं आता है वो लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली मैं इसको यहाँ पर ये ड्रॉ कर रही हूँ। सारे पैटर्न जो है वो कितनी ईजीली हाईलाइट हो रहे हैं। सो यस, जिन लोगों के हाथ ब्रश पे अच्छे से नहीं बैठे हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप एक डिज़ाइन को एक ही टाइम पे हाईलाइट करें, फिर उसको ड्राई होने दें, उसके बाद ही आप दूसरे पैटर्न को हाईलाइट करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर गलती से अगर आपका हाथ वहाँ पे लग गया और वो डिज़ाइन बिगड़ गई तो उसको फिनिश लुक देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो शेप एंड साइज़ थोड़े छोटे बड़े हो गए हैं उन्हें मैं बाद में हाईलाइटर से सही कर लूँगी, तो बस यहीं पर मैंने उन्हें हाईलाइटर से अपने हिसाब से ठीक कर लिया है, एंड जो पेंसिल के मार्क्स रह गए हैं उन्हें मैं बाद में कलर से कवर कर लूँगी।
माय एक्सपीरियंस विद हाइलाइटर इज़ ऑसम। इसके पहले मैंने कभी DIY में हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा है एंड आने वाले DIY में मैं इसको और यूज़ करूँगी। एंड यहाँ पर ये लोटस भी पूरी तरीके से हाईलाइट हो गए हैं। अब मैं इन्हें ड्राई होने के लिए रख दूंगी, उसके बाद मैं फिर इस पर आगे काम करूँगी। ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ पैटर्न और पेंसिल से ड्रॉ कर लिए हैं एंड उन्हें हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर ये ब्लू 3D आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ। हाईलाइटिंग होने के बाद मैं इन पर मिरर का काम करूँगी। जितने भी मैंने पैटर्न बनाए हैं उनको मैं मिरर से और हाईलाइट करूँगी। ये लिप्पन आर्ट से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, बस लिप्पन आर्ट में आप जो है हाईलाइट करने के लिए मटका यूज़ करते हैं एंड मैंने यहाँ पर ये 3D आउटलाइनर यूज़ किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप के मिरर्स लूँगी एंड उन्हें मैं फेविकॉल से स्टिक करते जाऊँगी। इन मिरर से मैं यहाँ पर लोटस की जो लीव्स होती है वो वाला इल्यूजन यहाँ पर क्रिएट करूँगी। सी एंड लुक कुछ इस तरीके से आएगा एंड मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ये पैटर्न डिज़ाइन और मेरा आइडिया कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड अगर आपको लगता है कि ये डिज़ाइन की जगह कुछ और भी होना चाहिए था तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। सेम शेप के मिरर मैं यहाँ पर भी स्टिक करूँगी। अब मैं राउंड शेप के मिरर लूंगी एंड मैं यहाँ पर स्टिक करूंगी। अब मैं यहाँ पर रेड कलर का 3D आउटलाइनर लूँगी एंड मैं कुछ इस तरीके से डिटेलिंग करूँगी। अगेन डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ पर येलो कलर ले रही हूँ। इसके बाद मैं वाइट कलर का 3D आउटलाइनर लूँगी एंड ये जो ब्लू लाइन से मैंने किया है हाईलाइट उसके एकदम ठीक साथ में मैं वाइट से भी थोड़ा सा कर दूंगी तो ये और हाईलाइट हो जाएगा। एंड यहाँ पर मेरा DIY कंप्लीट होता है। अब मैं इसको वॉल पर हैंग करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इजंट इट प्रिटी? I hope guys you like this DIY. If yes, then hit the like button and don't forget to subscribe my channel and click the bell icon so that you will get notification for the coming videos. So that's it for the day. I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.